जो हमारा कौमी सरमाया उसकी दिनदाड़े लूट हो रही है और हम खामोश एक मतलब खामोश तमाशाई की तरफ हम ये खाली मंजर देख सकते और कुछ नहीं कर सकते। अगर अत बांडस बांडस कुन वार 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 पोकी मिशन बांटते अगर वो अगर कोई सा थोड़ा सा अलग ये वीडी गांव ये वीडी अलग बल्कि वीडी नहीं जिन्दाई बेली मकल आ गई इस दफा घर दो या पांडा वीडी इसके जी ये पर है ये पर ख्याल अंत आया वीडी ऐसी बात जो लास्ट है कि मतलब ये मुझे पहुंच क्या वन ये वो कर बेहत आशा को तुम्हारे तुम या मटेरियल क्या जी ऐसी कुछ वार यह लेटे आप पुलिस बाकी डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट मिशी वल अमि ब्रोट दग थान अत मे ज्यादा मुलिस ग डिपार्टमेंट सू गो फील्ड वल अत मुलिस जालजी माइनिंग वल रॉयल्टी वल अत मुलिस ग इरीगेशन वल रात दोहन ट्रैक्टर वाल जे सी पी वाले तुल जहाज सितम अच्छी यह वुडर बागात पमशर दुत्मत यह सा पी डी पी वक्त मे दुत कम दूत पमशर सू पमशर तो खत्म रात दोहन जे सी पी वाल तुम कथाम बलाय मशीन चुहंगर बलाय मशीन कहें जुलमस मं जबरदस्त जुलमस मं चोर बजन वन रात पकान गाड़ दुहल तक पकान गाड़ टस या मठ गह इससे पहले भी माइनिंग हो रही थी मैन्युअली जो यहाँ के जो लोकल बेचारे थे वो माइनिंग कर रहे थे लेकिन वो मैन्युअली जो माइनिंग और इस माइनिंग में बहुत सारी डिफरेंस है। तो वहाँ मान लीजिए वो एक साल में या दो साल में तीन साल में जितना कर सकते या सौ साल में जितना कर सकते थे मुझे लगता है दो साल में इन्होंने वो काम किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुल बन रहा है इसमें भी करोड़ों रुपये का जो है इसमें एस्टिमेट हुआ है पुल बन रहा है। अब ये बफर जोन उन्होंने डिक्लेयर किया अगर ये बफर जोन है इसके साथ में ये ठेकेदार साहब जो इसने भी कंप्लेंट बहुत बार की कि अब यहाँ पे इतनी खुदाई कर रहे हो कल जो बारिश आएगी तो ये कहाँ रहेगा। ओब्वियसली बात है इनको जो खुदाई करनी थी पिलर्स की जो खुदाई करनी उन्होंने की लेकिन सामने जो बंदा जो खुदा इलीगल माइनिंग कर रहा है वो इससे भी नीचे गया। तो बहुत सारे मुश्किल मैं आपको शॉर्ट में बोलूँगा हम मुसीबत में हैं हमारी कोई सुनने वाला है ही नहीं। एक तो ऑलरेडी हमारी करप्शन ने हमारी कमर तोड़ी है महंगाई ने कमर तोड़ी है अब ये बचा था इससे भी हमने मतलब ये एक माफिया बना है ये हमें मुझे बोल रहा है सीधे मुंह पे बोल रहा है कि आपको किसके पास जाना है जिसके पास जाना है जाओ हम डरने वालों में से नहीं है। ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है यहाँ पे जो यहाँ पे कंट्रैक्टर्स हैं दे हैव बीन गिवन कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू दिस माइनिंग दिस रिवर बेड माइनिंग चाहे दूध गंगा है चाहे शाली गंगा है चाहे झालम है चाहे रंबियारा है शुपियां में या पुलवामा के साइड में या कुपवाड़ा में तो इन दरियाओं के अंदर एक तो इलीगल माइनिंग हो रही है उसके अलावा सरकार ने कुछ केसेस में ई ऑक्शन किया है और ई ऑक्शन के ज़रिए भी जो है माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं बट जो उसमें लवाजमात है जो उसमें गाइडलाइंस है स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे माइनिंग मिनरल कंसेशन रूल्स हैं 2016 के उनकी उन गाइडलाइंस की भी वायलेशन हो रही है। उन गाइडलाइंस में लिखा है कि दे हैव टू ओनली गो 2 मीटर डीप बट दे आर गोइंग एज डीप एज 20 मीटर्स डाउन। उसके अलावा दे आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग जे सी बी मशीन पोकलेन क्रेन्स दे आर यूजिंग द लार्सन एंड टर्बो क्रेन्स बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल कर रही हैं जबकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस में लिखा है कि यू कैन नॉट यूज दिस मशीन्स। अगर कोई इलीगल माइनिंग करता है इस तरीके से या जे सी बी जहाँ अलाउड नहीं है वहां करता है तो तुरंत अगर सपोज लो डीएमओ को उसी टाइम पे सूचित किया जाता है तो उसी टाइम पे हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। हम लोग ये टीम भेजेंगे मेजरमेंट करेंगे उसके ऊपर पेनल्टी डालेंगे 11 टाइम्स उसके पेनल्टी लगती है उसकी
अगर उसने जो अलाउड पैरामीटर्स हैं उसके अगेंस्ट या उसको वायलेट किया है तो हम लोग उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं, और जितना उसने वो मलबा उठा दिया होगा या एक्स्ट्रा उठाया होगा तो हम लोग 11 टाइम्स उसको पेनल्टी भरते हैं।